मुकद्दस में दाखिल हो रहा था तो उन्होंने वही हुक्म दिया था कि अपनी चूतियों को कहीं पाए।
सारे साहब ने ख्याल किया कि शायद अब आसा को भी उससे हिदायत करने का हुक्म है, तो फौरन आपने उसको जमीन पर डाल दिया। जैसे ही आपने उसको जमीन पर डाला तो वो दौड़ता हुआ पीले रंग का जो है वो साफ बन गया और उसकी जो पोशाकें थी उसके दो मुंह बन गए। अब जब वो आसा साफ बनता अजदा बनता उसके अंदर चार सिफत उसके अंदर जो चार तब्दीलियां चार बातें उसके अंदर आती। सबसे पहली ये कि उस आसे का जो रंग था वो सुर्ख था यानी लाल था। आसा जो आपके हाथों में था मूसा अलैहिस्सलाम के तो वो लाल रंग का था, लेकिन जब आप उसको जमीन पर डालते तो वो जब अजदा बनता तो पहली तब्दीली यह आती कि वो पीले रंग का हो जाता, उसका रंग जो है वो पीला हो जाता। दूसरा ये कि उसकी जो दोनों शाखें थी ऊपर की वो दो मुंह बन जाते और उसका बाकिया हिस्सा जो है तो वह सांप ही की तरह होता। और तीसरी चीज ये कि यहाँ पर उसके लिए तीन लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तो हैयता और एक जो है तो सुमान मुबीन जिसको कहा गया। तो लिहाजा उसकी कैफियत ये है कि जब आम हर किसी भी सांप को अरबी में हैयता भी कहा जाता है नहीं? और जो बहुत बड़ा अस्ता होता है उसे सुबान मुबीन कहा जाता है। लिहाजा जिन्स के अतबार से वो मुजक्कर छोटे बड़े मोटे हर सांप को जो है तो हैयत कहा जाता है। लिहाजा उस सांप की अजीब कुदरत और मुजज़ा करामत थी कि खिलकतन व नकली थी लेकिन इनकलाब हकीकत में ज़ातन व जिस्मानन अस्ता था, लेकिन सिफातन बारी सांप की तरह तेज दौड़ने वाला था क्योंकि सांप की बेसाम होती है। जो बड़े सांप होते हैं वो आहिस्ता चलते हैं, जो छोटे बारी सांप होते हैं वो तेजी के साथ दौड़ते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन इसकी खासियत ये थी कि ये था तो ऐसा तिलान में जब आप उसको जमीन पर डालते तो पहले ये साफ करता और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे बड़ा होता और बहुत बड़ा अस्ता बन जाता। लेकिन इसकी जो फुर्ती होती इसकी जो रफ्तार और तेजी होती वो छोटे सांप की तरह इसकी रफ्तार होती। और चौथा ये कि आदतन तमाम चरिंदों और परिंदों की तरह जब ये जंगल में घुसा तो फौरन दौड़ता हुआ जंगल में चला गया और वहां पर जो बड़े बड़े दरख्त थे उन दरख्तों को उनके पत्तों और तनों और जड़ों के साथ खा गया, बल्कि उन चरिंदों दरिंदों और जानवरों से भी दो कदम आगे बढ़ करके जब इसके सामने बड़े से बड़े पत्थर और चट्टानें आई तो ये उनको भी खा गया। उम्मीद सांप जो है तो पत्थर वगैरह नहीं खाया, लेकिन ये जो सांप था ये जो अस्ता था ये बड़ी से बड़ी चट्टान को भी जो है तो निगल जाया करता था। इसकी आंखें जो है वो सुर्ख अंगारा जैसे दहकती और ऐसा सांप को मुबारक पूरे जमीन पर इससे पहले कभी किसी ने ना देखा था। लिहाजा उसकी एक कैफियत ये भी है कि मरिए कि जब गंडा साफ बन गया तो जहाज से गुजरता हर शय हर पत्थर हर चीज दरख्त वगैरह सब को खाए जा रहा था। लिहाजा उसकी आंखें आग की तरह चमकती और उसके दांतों से सख्त किस्म की आवाज निकलती थी और उसके दोनों जबड़ों की दरमियानी मुसाफियत थी, उसके जो दोनों जबड़े थे उसके दरमियान का जो फासला है 80 हाथ के बराबर था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे इस हैबत में देखा तो आप घबराए, क्योंकि इंसानी फितरत है अचानक जब कोई चीज सामने से आ जाए तो मूसा अलैहिस्सलाम घबराए। लेकिन उसकी एक वजह यह भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस अजीब अल्लाह साहब को कहरे इलाही समझ कर जो तो खौफ जदा हो, आप साहब से खौफ जदा नहीं हुए, आपको डर उस खाप साफ का नहीं बल्कि उस साफ के ऊपर उस वक्त रब की जो तजल्ली पड़ी थी वो रब के कहर और गजब की तजल्ली थी। तो लिहाजा उस सबक से मूसा अलैहिस्सलाम को जो है तो खौफ जो है तो महसूस हुआ, चूंकि पहले ही अल्लाह ताला से आप जो कलाम करवा रहे थे तो कलाम में इलाही का बोल और वो खौफ और दबदबा अलग से आपके ऊपर था। हमारे हर इंसान की खासियत होती है जब कोई बड़ा उससे भी बात करे तो इंसान में खौफ होता है कि मुझसे बड़ा है, उससे बात करे तो इंसान के खौफ और उसका अदब और दबदबा होता है। तो अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम से कलाम फरमा रहा है तो मूसा अलैहि सलाम पर पहले ही खुदा के कलाम के सबब से खुदा का रौब और उसका खौफ और दबदबा था और उसी के साथ जो है तो जब ये
ये एक अचानक की चीज आ गई और अचानक ये तब्दीली जाहिर हुई, ये आसा साफ बन गया, तो उसके ऊपर रब तबारक तआला की सिफत के आरी और जब पानी का जुहूर हुआ उसका अक्स पड़ा, तो लिहाजा मूसा अलैहि सलाम उसके सबब से जो है तो खौफ ज़दा हुए। लिहाजा एक वजह उसकी और ये भी है कि मूसा अलैहि सलाम को जो है दरअसल उस सांप से डर न था, बल्कि कुर्ब हुज़ूरी का रौब और हैबत थी, और जिसका ज़हूर सांप पर हुआ दूसरी वजह यह थी कि सांप का बनना अल्लाह की तरफ से था, उस लाठी का सांप बन जाना अस्ता बन जाना चूंकि ये खुदा की तरफ से था इसलिए मजीद दहशत हुई, और चूंकि अजीब खिलकत और अजीब गरीब फितरत था, चूंकि एक अजीब किस्म का सांप था, उससे पहले ऐसा सांप किसी ने ना देखा था, कि अचानक वो जब सांप बनता तो उसके दो जो शाखें होती वो दो मुंह बन जाते और पूरा जिस्म उसका सांप का होता, और उसके जबड़ों के दरमियान की जो मुसाफत है वो 80 हाथ के बराबर की होती, और जिस जहां से गुजरता उस चीज को खा जाता। मैं आगे से तफसील जब अर्ज करूँ क्या मैं मूसा आपका मुनाजरा जब फिरौन से हुआ था और जब इस मुजजे का आपने वहां जरूर किया था तो उस वक्त फिरौन के ऊपर इसकी कैसी दहशत आ गई थी, इंशाल्लाह उसको माफ कर सकता हूँ। तो चूंकि उस पर पहले इलाही का जो है तो नुज़ूल हुआ था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम इस वजह से भी मजीद आपको दहशत हुई। लिहाजा अगर ये मामला किसी जादूगर की तरफ से होता, किसी दुनियादार की तरफ से होता, तो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं ना करते, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद से ना करते, क्योंकि वो नमरूद की लड़ाई की आग थी, और इस्माइल अलैहिस्सलाम चुकी से ना डरे, वो भी खुदा ही की तरफ से थी, इसलिए आप इस चूली की हकीकत से आगाह थे और उन दोनों का इम्तिहान था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान न था, लिहाजा जब अचानक ही तब्दीली आ गई तो आपको जो है तो उससे हैबत से तारी हुई, और आपने ये ख्याल किया कि कहीं ये सांप हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाले सांप की तरह था, क्योंकि वो सांप जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने का सबब बना था, क्योंकि ये सांप ही था कि जिसने शैतान को अपनी पुश्त पर बिठा करके उसको जन्नत में ले गया था, जन्नत के करीब ले गया था, जहां से उसने मूसा हजरत इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम को उसने वसवसा डाला था। तो आपने ये ख्याल किया कि मुमकिन है कि ये सांप भी कहीं यहाँ पर कोई ऐसी हरकत ना करे जिसके सबब से मैं परेशानी में आ जाऊँ, जिसके सबब से मुझे कोई और तकलीफ ना पहुंचाए, कि ये उस सांप की तरह ना हो। इस ख्याल की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम वहां से दौड़े। तो लिहाजा जब आप दौड़े वहां से तो चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात बता दें आप मकाम तमीन पर और आप मुंतहा के मकाम पर, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इब्तिदा के मकाम पर वो मुद्दती है, इसलिए आपको एक हल्का सा खौफ हुआ, लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया मिन अल आमिनीन आपको अमान है, इसका जिक्र अल्लाह ने तीन तरीके से फरमाया। एक मकाम पर अल्लाह ताला ने किसी आयत, जैसा कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि अरे मूसा जो है तो कम ना करो, काल खुश बला कर, और हमने कहा कि इसे उठा ले डर नहीं खौफ मत कर, और फरमाया कि सन या सी नजर बोला कि हम इसे वापस इसकी असल हालत पर फेर दें, जबकि दूसरे मकाम में लाए फरमाया हुआ है कि आसा का फलक और राह का अदस सा कहना कान ना जान बल खुद बिरम बलम युवक के या मूसा ला तकफ इन्नी बारिका भी रहते कर मुसलमान, फरमाया कि और अपना आसा जमीन पर डाल दे, तो फिर देखा कि वह लहराता हुआ साफ हो गया, तो वहां से पीठ फेर कर चला और मुड़कर उसकी तरफ न देखा, तो हमने फरमाया कि मूसा ठहरिए और डरो मत, मेरे यहाँ पैगंबरों को खौफ नहीं होगा। और दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वरना कि आसा का फलक और राह का अदब सा कान न जान बल खुद बल बलम युवक के या मूसा अपने बला तरफ इन नकल मिनल आमीन, कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप इसको डाल दीजिए और वो सांप बना, तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां से दौड़े और फलक पर उसकी तरफ न देखा, तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा डर न कर, डरो नहीं,
तुम्हारे लिए हमार। जब इसी बार के अंदर फरमाया तब मूसा ने सलाम को इत्मीनान हुआ और आपने जो है तो उसकी गर्दन में हाथ डाला और दूसरा हाथ उसके ऊपर डाल कर उसको पकड़ लिया। जैसे ही आपने उसको पकड़ा, उसकी गर्दन में हाथ डाला और उसको पकड़ा, तो वो फौरन जो है वो फिर से अपनी असल हालत पर आ गया, वो आसा बन गया। आपने देखा कि कोई मकाम था जहाँ पर आप हाथ रखकर उसको पकड़ा करते थे, उससे तेल लगाया करते थे, उससे सहारा लिया करते थे, लिहाजा सीरत अल-कुबरा का वादे रब्बानी पूरा। अल्लाह ने फरमाया कि आप उसको पकड़ लो, डरो मत, हम इसको वापस इसके असल हालत पर फेर देंगे। तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को ने फरमाया मिन आमीन, या आपके लिए अमान है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर जैसे उसको पकड़ा तो वो फिर से आशा कर गया। लिहाजा फिर से वो बड़ी सुर्ख मोटी लाठी थी और ये सांप और लाठी जितना मोटा और उतना ही 10 गुना लंबा होता था। जब आप उसको जमीन पर डाल देते थे तो ये उतना ही जरूर मोटा हो जाता था और उसका रिश्त टूटा हो जाता और बाद में फौरन मजीद लंबा और मोटा होता जाता और गुना हो जाता। मूसा अलैहि सलाम के खौफ की वजह सांप नहीं बल्कि से पहले से जो है कलाम इलाही का जो खौफ था, जो रौब था, वो था। मूसा अलैहि सलाम हर किस नहीं रहते, क्योंकि अंबिया जो है तो वो डरते ही हैं दुनिया की चीज़ों से, उन्हें भी खौफ नहीं। अंबिया का मकाम तो बहुत बुलंद है, अंबिया की शान तो बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला ने तो वलियों के बारे में फरमाया कि अल्लाह ने औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। तो जब वली डरते नहीं, वलियों को खौफ नहीं होता, तो नबी को खौफ कैसे हो सकता? सही में सरकार वैसे बात करती है, अल्लाह ताला नमाज अदा फरमा रहे, आप नमाज में है और एक कोई बड़ा सांप आपके करीब आकर के बैठ गया, लेकिन वो से बाप को जरा भी खौफ ना हुआ, आपकी नमाज से जरा सा भी खलल ना आया, यहाँ तक कि वो सांप आपके पैरों में लिपटा, पैरों से होता हुआ आपके जिस्म पर चढ़ता रहा और आपके पूरे जिस्म से लिपट गया, लेकिन फिर भी हजरत सलीम सरकार उसे बात करती रहता हूँ, उससे जरा भी खौफ ना हुआ और आप जो है इत्मीनान से अपनी नमाज अदा फरमा दे रहे, यहाँ तक कि वो सांप खुद उतर करके वापस चला गया। तो जब गौसे बाप की शान ये है कि वो नमाज अदा करे, जब खुदा के हुजूर खड़े होकर नमाज अदा करे और सांप अगर आकर उसे बदन पर लिपट भी जाए, तब भी गौसे बाप को खौफ नहीं होता, उन्हें डर नहीं लगता, तो वो तो गौस है, वो तो अपने वक्त के गौस है, कोई भी नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। इतनी मोहब्बत का गौस वही बुद्ध है, वो नबी के मकाम, नबी का मकाम तो बुलंद है, वो किसी सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर के
उनके शाम के सफर से होते हुए आप जो है तो वापस जो तो आप पहुंच रहे थे अपने वतन के लिए, तब रास्ते में आपको करके अल्लाह ने आपसे हक करा और यही अल्लाह ने आपको ऐलानी नबूवत का होगा और आपको पहला मुजज़ा तरीके तौर पर अल्लाह ने क्या कहा फरमाया कि आप जो है तो अपने आसा को जब जमीन पर डालते तो वह साफ कर जाते। उसी वजह से ये थी कि ये लाठी फेंकने से मुजज़ाती असर उसको ये था कि वह साफ करेगा, जब लाठी उठा लिया करोगे तो जब इसे उठा लिया करोगे तो ये फिर से लाठी बन जाएगी। और तीसरी वजह से ये थी कि अगर उस वक्त ये सब कुछ करा कर दिखाया न जाता और सिर्फ बता दिया जाता तो मुमकिन था कि जब मूसा अलैहि सलाम उस आशा को लेकर के फिरौन के दरबार में पहुंचते और वहां से डाल दे तो जो मामला इस वक्त हुआ वो अगर उस वक्त होता तो आप खुद भी डर जाते। लिहाजा इसलिए कोई दूर पर आपको इसका चश्मदीद मुशाहिदा अल्लाह ताला ने पहले ही करा दिया। लिहाजा आशा में मूसा अलैहि सलाम की वजह से 10 करामतें वजूद में आईं जो उससे पहले नहीं थी। लिहाजा पहली तो ये कि ये दुश्मन से आपकी हिफाजत करता। एक दफा जंगल में जब सांप ने बकरियों पर हमला किया तो इसी आशा ने उसको मार करके वहां से भगा दिया। दूसरा ये कि अंधेरी रात में इसकी दोनों शाखें जो तो रोशन हो जाती और चमकने लगती जिससे सिर्फ मूसा अलैहि सलाम फायदा हासिल करते। तीसरी वजह फायदा उसका यह था कि मूसा अलैहि सलाम जब उसे जमीन से रगड़ते तो हसबे जरूरत पानी निकल आता और काम पूरा होने के बाद पानी बंद हो जाता। चौथा ये कि मूसा अलैहि सलाम को जब भूख लगती तो आप उसे जमीन पर रगड़ते तो खाने पीने की चीजें निकल आती। पांचवा ये कि अगर खुश दरख्त से उसको लगाते तो पुक्का यानी पके हुए फल जो है तो उससे जैसे छक्का गिरते। और छठी इसकी वजह ये थी कि आसर 10 गुना लंबा और 2 इंच मोटा मूसा अलैहि सलाम की कलाई के बराबर का था। लिहाजा आपने जो है तो उसका नाम जो है तो नबतून रखा था। और जब ये आसा हंसता बनता तो ये कई चीजों को खा जाता लेकिन जब वापस नदी बनता तो फिर उसके अंदर की तमाम चीजें जो है तो गायब हो जाती। और सातवां उसका उसकी वजह यह थी कि पेशाब और पैखाना भी नहीं किया करता था। और आठवां ये कि जब कोई दुश्मन या दरिंदा मूसा अलैहि सलाम के सामने आता तो ये आसा खुद उसको मार कर भगा देता। और नौवां जिस्मानी असर था तेजी में कुत्ते के सांप की तरह था। और दसवां ये कि ये पत्ते पत्थर खा जाता हालांकि कोई सांप ये सब चीजें नहीं खाता। ग्यारहवां ये कि कुएं से अगर पानी निकालना होता तो ये लंबा हो जाता और अपनी दोनों शाखों के बराबर जो तो पानी उसमें से भर करके ले आता था। लिहाजा ये और जो है तो उसकी आंखें जब हंसता बनता तो उसकी आंखें जो है तो जिसमें आग की तरह दहकती और उसके मुंह और लंबे दांत और नाले भी बन जाती जिसमें से सख्त किस्म की आवाज आए करती। तो ये 10 करामतें तब हुई जब मूसा अलैहि सलाम का हाथ उस आसे को लगा। लिहाजा यहाँ से एक चीज ये भी समझ में आई कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के हाथों पर जब जो चीज चाहता है उसको जाहिर करना। लिहाजा आसे के अंदर तो ये चीजें मौजूद थी लेकिन उस वक्त तक जाहिर बनी जब तक मूसा अलैहि सलाम का हाथ उस पर ना था। चूंकि आसा पहले आदम इस्लाम के पास भी रहा, दीगर अंबिया के पास भी रहा, शोएब इस्लाम के पास भी रहा लेकिन उस वक्त ये सारी चीजें उसे नहीं होती थी। जैसे ही मूसा इस्लाम का हाथ उस पर लगा तब उसे उसके अंदर ये करामतें पैदा हुई। तो पता चला अल्लाह वाले अगर किसी चीज को छूते हैं तो अल्लाह उसके अंदर करामतों का जरूर फरमा देता है। लिहाजा उसके लिए हाथ भी मूसा अलैहिस्सलाम का शर्त था और आसा भी वही शर्त था। लिहाजा उसके जरिए से ये तमाम चीजें जो तो वजूद में आती। यहाँ पर बास मशाइख ने फरमाया कि उस डंडे के सांप बन जाने में इस बात की तरफ इशारा है कि बुराइयां नीकियों में तब्दील हो जाती है। जिस तरीके से वो आसा कभी हंसा बन जाता और जैसे कि वापस आसा बन जाता तो इसी तरह फरमाया गया कि जो लोग गुनाह कर लेते हैं फिर अल्लाह की बारगाह में तायब हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नीकियों से तो लिहाजा मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये पहला मुजज़ा जो है तो अता फरमाया। और यहाँ इसकी एक तफसील ये भी है कि जिस तरीके से ये आसा हंसता बन जाता इसकी वजह से कल कयामत के दिन वो लोग
कि जिन्होंने अपने माल की ज़कात अदा नहीं की है उनका माल साफ बना करके उनके गले में डाल दिया जाए। जो लोग ये ख्याल करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है या ये कैसे हो सकता है, तो यही उसकी दलील है कि जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम का आसा हस्ता बन जाया करता था, इसी तरह कल कयामत के दिन वो लोग जिन्होंने माल की ज़कात अदा नहीं की है उनका माल हस्ता बन करके उनके गले में जो है वो डाल दिया जाए। अब यहाँ पर एक चीज हासिल हो इस वाक्य को जहन में रखे सरकार आला फाजिल बरेली रहमान ने जो इसकी बेहतरीन तशरीह फरमाई, वो फरमाते हैं कि आसाए करीम अज़दहारे गज़ल था, आसाए करीम अज़दहारे गज़ल था, कीड़ों का सहारा आसाए मोहम्मद। यहाँ पर आपने आकर इस्लाम तस्लीम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान के फर्क को वाज़े किया कि मूसा अलैहिस्सलाम जब खुदा के यहाँ पहुंचे तो उनके साथ क्या मामला हुआ, जब खुदा से उनका मामला हुआ, राम सलाम हुआ और अल्लाह ने जो मुजजा आपको अता करवाया वो मुजजा ये था कि आपका आसा असदा बन जाया करता। सख्त किस्म का मोटी सबसे जो तो आला साहब का असदा बन जाया करता था। फरमाते आसाए कलीम असदाए गजब था, गजब नाम को असदा बन जाता था, लेकिन कीड़ों का सहारा आसाए मोहम्मद। हुजूर की शान ही निराली है, हुजूर का मकाम ही बुलंद है कि हुजूर का जो आशा है वो कीड़ों के लिए सहारे का सबब है, हुजूर का जो आशा है वो कमजोरों के लिए, सैनिकों के लिए, नापवाओं के लिए, हुजूर की वो ताकत है उनके लिए वो ताकत का काम करता है, उनके लिए वो कुव्वत का काम करता है। उसकी चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक मरतबा रात का वक्त और आकर इस्लाम जो नमाज से तशरीफ ले बारिश का मौसम था, हज़रत क़तादा रज़ी क़तादा बिन नुमान रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने ख्याल किया कि चूंकि रात ज्यादा है, बारिश भी हो रही है, तो शायद लोग ज्यादा मस्जिद में नमाज के लिए ना पहुंचे हो, इसलिए मैं नमाज के लिए हाजिर हो गया। जब नमाज से फारिग हुआ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जो है वो हुजूर की एक डाली अता फरमाई, हुजूर के दरख्त की एक शाख की डाली हुजूर ने अता फरमाई और फरमाया कि रात ज्यादा देरी है, आज चांद भी नहीं है कि जिसकी रोशनी में तुम घर तक पहुंच सको, लिहाजा हुजूर सलाम ने हुजूर की एक डाली मुझको अता फरमाई, एक आसा मुझको अता फरमाया और फरमाया कि ये तुम्हारे 10 हाथ आगे 10 हाथ पीछे 10 हाथ आए और 10 हाथ पाए ये रोशनी करेगा, इसकी रोशनी में तुम अपने घर तक पहुंच जाओ और जब अपने घर में पहुंचोगे चीज देखोगे उसे मार कर इसी आसर से मार कर घर के बाहर कर देना, इसलिए ये शैतान। हते कतादा फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने हुजूर के हाथों से उस वक्त के हाथ के लिए तो वो रंग रोशन हो गया, मैं उसकी रोशनी अपने घर तक पहुंचा तो जैसा हुजूर ने फरमाया था एक सिया रंग की चीज मैंने देखी और फिर उसी आसर से उसको मार कर घर से बाहर कर। हुजूर जिस वक्त आसा आता फरमाते मूसा अलैहि सलाम के आशे का तो हाल ये था कि वो जमीन पर डाले को असर बन जाता, लेकिन हुजूर जिस वक्त आसा आता फरमाते थे वो उसके लिए रोशनी का सबब बन जाया था। ऐसी तरीके से जंगे बदर में हज़रत मुकाशिम बिन मुजन रज़ी अल्लाहु अन्हु जब आपकी तलवार टूट गई, बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, तलवार टूट गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको एक लकड़ी अता फरमाई, एक आसा उनको अता फरमाया कि इसे ले लो, जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में लिया तो फौरन तलवार बन गई और फिर उस तलवार से आप जिहाद करते रहे, याद रखे आप जो है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में अय्यामुर रदा में आप जो है शहीद हुए और आपने उस तलवार का नाम और रखा। जंगे उहद में इसी तरीके से हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ी अल्लाह तबारक तआला आपकी तलवार टूटी, आपने हुज़ूर की बारगाह में आकर अर्ज किया तो हुज़ूर सलाम ने उनको भी हुज़ूर की एक शाख अता फरमाई, उनको एक आसा अता फरमाया, उनके हाथ में आती वो तलवार बन गई, आप उससे जिहाद करते रहे और आपने उसका नाम और जुर्म रखा। तो हुज़ूर सलाम जिसको आसा अता फरमा देते वो जो ही अता फरमाते वो बच जाते, तलवार बन जाती, किसी की रोशनी का सबब बन जाती। मूसा अलैहि सलाम का जो आशा था, मूसा अलैहि सलाम अपने आशे से कई काम लिया करते थे, उस आशे जब आपको प्यास लगती तो
आप जो है तो जमीन पर उसे रगड़ते या पत्थर पर मारते तो उससे पानी के चश्मे जारी हो जाते, लेकिन आपा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा साथ मौजूदा थी। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को एक मौजूदा किया था, वो आशा था, दो मौजूदे मिले थे। अभी मैं एक का जिक्र कर रहा हूँ, एक का जिक्र इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते होगा। तो ये जो मौजूदा अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को आशे कर दिया, आपको जब पानी की जरूरत होती आप उसे पत्थर पर मारते, जमीन से रगड़ते, पानी निकल आता, लेकिन आपा करीम सुसलम की मुकम्मल सात मौजूदा है। मेरे आका जब पानी की जरूरत होती सहाबा ने आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह पानी खत्म हो चुका है, पानी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया अगर किसी के पास थोड़ा पानी हो तो वो प्याले में लेकर के आए। रसूल की बारगाह में एक छोटे से प्याले में पानी पेश किया गया, आका ने सलाम से अपना दस्ते मुबारक उस प्याले में डाल दिया। सहाबा इकराम फरमाते बंदा खुदा की कसम हमने देखा कि हुजूर की उंगलियों से पानी के चश्मे जा रहे हैं, और तमाम नशा में जो हजार पर मुश्तमिल था उन तमाम लोगों ने पानी पिया, अपने मशीन से भर लिए, अपने जानवरों को पानी पिला दिया। जब हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक निकाला तो उस प्याले में उतना ही पानी था जितना पहले हो चुका। मूसा अलैहि सलाम को जब खाने की जरूरत जरूरत होती आप उसे जमीन पर रगड़ते या उसे किसी ऐसे खुश्क दरख्त से लगा देते जो दरख्त सूख चुका है, तो उससे फल नमदार होते, पके हुए फल मिल जाया करते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जरूरत महसूस होती तो मेरे आका ने सलाम जब चाहते जन्नत में हाथ बढ़ाते जिस फल को चाहते थे। आका की सहाबा साथ में जैसा है, मूसा अलैहि सलाम के सामने जब कोई दुश्मन आता और उसे मुकाबला करना होता मूसा अलैहि सलाम उस आशे को जमीन पर डाल देते, वो आशा असदा बन जाता और दुश्मन का मुकाबला करता। लेकिन मेरे आका अलैहि सलाम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया था। अल्लाह ने फरमाया था वो यहाँ सुनकर मिले नाश के महबूब अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत करेगा। जब एक मरतबा अबू जहल एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर के हुजूर की तरफ चला, मेरे आका सजदे में हुजूर नमाज अदा फरमाए, सरकार का सरे मुबारक सजदे में अबू जहल ने नमाज अदा ये इरादा किया कि बहुत बड़ा पत्थर लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक को कुचल देगा। जैसे ही उसे लेकर के आगे बढ़ा तो अबू जहल वहां से वापस दौड़ कर भाग कर आया। उसके दोस्तों ने पूछा अबू जहल क्या हुआ, तू वापस क्यों आ गया? तू तो कह रहा था कि आज तू मोहम्मद को खत्म कर देगा, आज तू पत्थर से उनका सर कुचल देगा। कहने लगा हाँ इरादा तो यही किया था और वो पत्थर लेकर भी गया था, लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा दो बड़े हंसते मुंह खोले हुए वहां बैठे। अल्लाह ने अपने महबूब की उस वक्त भी हिफाजत फरमाई जब सरकार शबे हिजरत को चले, अल्लाह ने उस वक्त भी हिफाजत फरमाई। तो यहाँ मूसा अलैहि सलाम को जरूरत होती तो मूसा अलैहि सलाम आशे से काम लेते, मेरे आका को जरूरत होती अल्लाह खुद उनकी हिफाजत फरमाता। इसीलिए आला फरमाते के आसाए करीम हस्ताए गजब था गिरों का सहारा आसाए मोहम्मद। तो मेरे आका करीम सुन्नत की शान है, रसूल का मकाम है। एक मूसा अलैहि सलाम जब रब तबारक तआला से हम कलाम हुए, रब से आपका कलाम हुआ वादी मुकद्दस में वाकई हुआ, तो अल्लाह ताला ने जो मुजीजा आपको अता फरमाया वो ये कि अल्लाह ने आपको ये मुजीजा दिया कि आप अपने आपसे को जमीन पर डालते तो वो लहराता हुआ अस्ता बन जाता, दौड़ता हुआ एक खौफनाक किस्म का अस्ता बन जाया करता था। लेकिन आप अकरीम सल्लम की शान देखिए कि अल्लाह ने जब हुजूर से कलाम फरमाया और हुजूर ने सलाम से कलाम जमीन पर नहीं बल्कि अर्श से परे लामकान फरमाया, मूसा ने सलाम से जो कलाम हुआ वो जमीन पर हुआ, कोहे तूर पर हुआ, वादिय मुकद्दस वादिय ऐन वादिय मुका में हुआ, लेकिन हुजूर सलाम से अल्लाह ने जो कलाम फरमाया वो कलाम सातों आसमान बल्कि अर्श से परे लामका सुन्नतना फकत अल्लाह का मान का बकौसी की और अदना उस मकाम पर हुआ जहाँ कोई मकान नहीं, उस जगह पर हुआ जहाँ कोई जहत ही नहीं। अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में बुलाकर हुजूर से कलाम फरमाया, मूसा ने सलाम से जब कलाम हुआ तो जलाल भी था और जमाल भी था, लेकिन जब हुजूर से कलाम फरमाया तो मुकम्मल जमाल ही जमाल था। जब मूसा ने सलाम को मौजज़ा अता फरमाया तो ये कि जब आप अपने आशा को जमीन पर डालते तो वह असदा बन जाता, लेकिन शबे मेराज अल्लाह ने हुजूर को जो मौजज़ा अता फरमाया और जो अजीम नेमत अता फरमाई वो ये है कि नमाज का मौजज़ा अल्लाह ने अता फरमाया। महबूब मेरी तरफ से उम्मत के लिए नमाज का तोहफा लेकर के जाइए, ये वो चीज़ है कि आपकी उम्मत अगर इसको अता करती रहेगी तो इसकी भी हिफाजत का जिम्मा मैं लेता हूँ। या मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा मिला कि जब जरूरत
अल्लाह ने मुजदा और नेमत अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अता फरमाई। और एक चीज इंकलाब हकीकत, इसे समझे कि जब कोई चीज की हकीकत तब्दील होती तो शरई अहकाम में बदल जाते हैं। जब किसी चीज की हकीकत बदलती है तो शरई अहकाम भी बदलते हैं। इसकी बहुत सारी मिसाल है, मिसाल आप यही समझे, लकड़ी वो जो आसा मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में था, जब तक आपके हाथ में रहता वो आसा होगा, लेकिन जब वो तब्दील होता, जब वो असला बनता तो उसके अंदर तब्दीली आ जाती, वो मुकम्मल असला होता, उसके दो जगह होते, वो खाता भी पीता भी चलता भी दौड़ता भी और जो दुश्मन पर हमला भी करता, लेकिन जब वापस आप उसको पकड़ते तो फिर से लाठी बन जाती। यानी जब वो असला बनता तो उसकी कैफियत बदल जाती। इसी तरह से समझेंगे अगर कोई जीव अगर किसी इंसानी शक्ल में आ जाए किसी औरत के सामने तो उस औरत पर उससे पर्दा करना फर्ज होगा। अगर कोई शख्स गरीब है और उसे कीमिया का इल्म आ जाए जिससे जो तो मिट्टी को भी सोना है, तांबे को जो सोना बनाया जाता है, तो अगर कोई कीमिया के जरिए तांबे को सोना बना ले और वो निसाब की मिकदार से बढ़ जाए तो फिर उस पर ज़कात भी लाज़िम हो जाए। तो इंकलाब हकीकत मुमकिन है कि होता है और इससे शरई अहकाम बदल दे। बहरहाल एक चीज जो मुझे याद से करनी है कि वो आसा जब मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होता तो लकड़ी आसा हो, लेकिन जब जमीन पर डालते तो वह असला बन जाता, उसके अंदर तब्दीली तगैबा और वह चीजों को खा जाता, लेकिन जब वापस वह आसा बन जाए तो तमाम चीजें गायब हो जाती और वह आसा खाने पीने के बाद ना गोरो बरास का गोरो बरास नहीं करता, उसको ना पेशाब होता था और ना ही उसको पैखाना नहीं करता। अब समझे कि अंबिया अलैहिस्सलाम की हकीकत क्या है। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा करवाया, वो नूर है और नूर को किसी चीज की हाजत नहीं होती, नूर को खाने पीने की हाजत नहीं होती। जिस तरीके से उस आसे को लकड़ी को खाने पीने की जरूरत नहीं होती, इसी तरह से अंबिया अलैहिस्सलाम नूर है, जैसे फरिश्ते नूर है, फरिश्तों को खाने पीने की आदत नहीं होती, फरिश्तों में नफ्स नहीं होता, फरिश्तों के अंदर नफसानी ख्वाहिशात नहीं होती। ठीक इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम को तस्लीम का भी मामला है कि अंबिया अलैहिस्सलाम नूर से बने हैं, अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया है, उन्हें जो अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा नफूस अता फरमाया है, लेकिन जब इन्हें अल्लाह ताला ने जमीन पर मबूस फरमाया तो फिर इन्हें लिबास बशरियत में भेजा, ये इंसान की शक्ल में आए, ये इंसान बन कर के आए। अब इंसान जो है वो अनासिर अरबा से बना है, इंसान चार अनासिर से बना है, हवा पानी आग और मिट्टी से, और इस अनासिर अरबा को जिंदा रहने के लिए इसे कुवत के लिए खाने की जरूरत है, इसे दुनियावी गिजाओं की जरूरत है, ये खाकर पीता है। इसलिए अम्बिया अलैहिस्सलाम जब लिबास बशरियत में आए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम लिबास बशर में आए तो उन्हें खाने की भी हाजत है, पीने की भी हाजत है और जो है उसी के साथ दीगर जरूरतियात जिंदगी की भी हाजत है। यही वजह है कि आका अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से जो कुछ भी निकलता पेशाब का गोरो बरास की शक्ल में तो वो उम्मत के हक में पाक होता था। सरकार अलैहिस्सलाम से जो चीज हुजूर के बदन से निकलती वो नापाक और नजीस नहीं होती थी, बल्कि वो भी पाक होती थी, उम्मत के हक में वो भी पाक। लिहाजा अंबिया अलैहिस्सलाम नूर है, लेकिन जब दुनिया में आए तो लिबास बशरियत में आए। वो लोग जो ये कहते हैं कि नबी हमारे बड़ा बशर है, नबी हमारे जैसे इंसान है, और इससे पहले वो कौन है जिन्होंने ये एतराज किया था कि अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नबी बनाकर क्यों ना भेजा, उसने इंसान को क्यों नबी बनाया, उसने इंसान को क्यों हिदायत के लिए जन्म मखसूस फरमाया, और उसका ये जवाब है कि अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को पैदा तो नूरानी शक्ल में किया है, लेकिन जब मबूस किया, जब जमीन पर भेजा, तो लिबास बशर में भेजा, उनकी हकीकत तब्दील हुई, उनकी हालत जो है तब्दील हुई, लिहाजा बाद में जो है तो फिर उनकी हालत भी वैसी हो जाएगी। सीरत आल बोला अल्लाह उसे दोबारा फेर देगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम बादे वफात फिर से अपनी असल हालत में होते, इनके अजसाम भी कब्र में जिंदा होते हैं और इनकी रूह भी पाकीज़ा होती है, और इनके कब्र में जिंदा होने के बाद भी इन्हें खाने पीने की हाजत नहीं। जैसे कि आप सुनते हैं, सुना आपने कि मूसा अलैहिस्सलाम जब आकर इस्लाम नमा जब मिराज की तशरीफ ले जा रहे तो सरकार ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा है, नमाज अदा कर रहा है।
सलाम अपनी कब्र में जिंदा होती है, उनकी असल हालत है। लिहाजा एक चीज तो ये, और यहाँ पर एक चीज ये भी समझे कि जिस तरीके से वो आसा जो कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों में था, और जब मूसा अलैहिस्सलाम उसको जमीन पर डाल देते फिर वो आसा अज़दा बन जाता, और जब अज़दा बनता तमाम चीजों को खा जाता या दुश्मन पर हमला करता। इसी तरह से यहाँ पर तसव्वुफ़ की चंद बातें समझे कि इंसान का जो इरादा है, इंसान की जो मर्जी है, उसकी जो अपनी ख्वाहिश है, उसका जो अपना नफ्स है वो आसे की तरह है। इंसान का जो नफ्स है, उसका जो इरादा है, उसकी जो नियत है, उसकी जो ख्वाहिश है, उसको आसे की तरह समझे। लिहाजा जब आप इस आसे को जमीन पर डाल दोगे, जब आप अपने इरादे को, मतलब क्या अपने इरादे को खुदा के इरादे के सामने डाल दोगे, अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश और अपने नफ्स को खुदा के सामने डाल दोगे, अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी में फना कर दोगे, तो फिर इसमें तगीर आ। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जब तक आसा होता, लकड़ी आसा होता, जब जमीन पर डालते तो वर्षा बन जाता। इसी तरह इंसान अपनी मर्जी से जो चाहता है वो करता है, और खुदा फरमाता है कि बंदे जो मैं चाहता हूँ तू वो, मैं चाहता हूँ तू मेरी शरीयत का पाबंद रहे, मैं चाहता हूँ तू नेक काम करे, तू सिराते मुस्तकीम पर चले। तो लिहाजा खुदा बंदे से जो चाहता है वो खुदा की मर्जी है, और बंदा अपनी मर्जी से जो करता है वो खुद का अपना है, अपनी मर्जी है। लिहाजा जब हम अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के सामने डाल देंगे, अपने इरादे को, अपनी ख्वाहिश को, अपने नफ्स को खुदा के इरादे के सामने डाल देंगे, अपनी मर्जी खुदा की मर्जी में फना कर देंगे, तो फिर खुदा उसकी हालत को बदल देगा, खुदा उसकी कैफियत को बदल देगा। अब तक तो तुम जो चाहते थे तो वो हो नहीं सकता था, चूंकि इंसान अपनी मर्जी से कर रहा था, लेकिन जब उसकी मर्जी खुदा की मर्जी में फना हो जाए, ये मौलाए करीम जो आज जो वक्त का फिरौन हुकूमत कर रहा है,
तब वो बर्बाद किया जाए, लेकिन मुसलमान अगर समझ ले कि वो अपनी जान को खुदा के सामने गिरा दे, वो अपने सर को खुदा के सामने झुका दे, तो वो रब्बे कायनात के हालात को बदलने पर कुदरत रखता है। सबसे पहला वादा ला गई होगा कि अल्लाह तबारक तआला तुम्हें तुम्हारी असल हालत पर लगा देगा, तुम्हें तुम्हारी पहली हालत पर लगा देगा। हमारी पहली हालत ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे वो खलीफतुल्लाह है, अल्लाह के खलीफा है, उन्होंने जमीन पर खिलाफत इलाही को कायम फरमाया था। हम जमीन पर अल्लाह के खलीफा है, उस खलीफा की औलाद है। अल्लाह तबारक तआला की खिलाफत को इस जमीन पर राइज करना है, इस नाम को जो है तो हमें इज्जत इस्लाम को इज्जत पाना है ही, लेकिन उसे हमें पूरी दुनिया में आम करना है। इसके लिए उस सीरत अल-उला का जो वादा उस वक्त पूरा होगा जब मुसलमान अपने सर को खुदा के सामने सजदे में गिरा देंगे, अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के सामने फना कर देंगे, तो रब्बे कायनात इन मुसलमानों को इनका खोया हुआ वकार अता करेगा, इनकी छीनी हुई सल्तनत इनको वापस फरमाएगा, इनको तख्त और ताज की इमामत अता फरमाएगा, मौलाए करीम इन्हें फिर से इस जहांबानी की हुकूमत अता फरमाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला
वो हालात को बदलने पर कुदरत रखता है। लिहाजा अगर मुसलमान अपनी हकीकत को जाने, अपने आप को पहचान, दुनिया में आने के मकसद को समझे, और अगर कभी कुछ करना भी चाहे तो अल्लाह ताला मुसलमानों को अपनी अमान अता फरमा दे। लिहाजा ये है कि शरीयत वो मजबूत तरीन आशा है कि जिसने इसको पकड़ लिया, जो शरीयत पर सख्ती से कायम हो गया, जिसने मजबूती के साथ शरीयत को थाम लिया, उस पर अमल किया, तो ये वो आशा है कि जिसके जरिए से अल्लाह सब दुनिया और आखिरत में सहारा था, उसकी बशरियत को अल्लाह नूरानियत की तब्दील फरमा देगा। और दूसरा ये कि उससे दुनिया का खौफ खत्म फरमा देगा और आखिरत में उसको अमान अता फरमा देगा। शर्त यह है कि हम अपने आप को पहचान। आज मुसलमान जो हालात से गुजर रहे हैं, इस सभी पर आया सोशल मीडिया के जरिए हम आए दिन सुन रहे और देख रहे हैं कि मुसलमानों के लिए आज का इलाज कितना कम किया जा रहा है। अब हमारी मसाजिद को निशाना बनाया और अब दुश्मन अनासर ताकतें ये चाहती है कि मुसलमानों की इबादत गाहों को खुद कदे में तब्दील कर दिया जाए। इसलिए शैतान का सिंह हर जगह निकालने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान नहीं हूँ, सब समझ रहे होंगे कि मेरे इशारा किस तरह है। जो आज हालात चल रहे हैं कि गैर काफी मस्जिद को लेकर उसी से समझ इशारे कि शैतान का सिंह उतार किया जा रहा है कि यहाँ तो हमारे फला स्वयं देवता का फला शैतानी सिंह है, लिहाजा ये हमारी जगह और यहाँ पर मस्जिद जो है तो बिना वजह जो कायम की गई उसको तोड़ करके माशाल्लाह जो है तो यहाँ पर खुद पैदा बन रहे। एक मस्जिद बाबरी मस्जिद वो तो मुसलमानों के हाथ से उसका जो फैसला होगा निकल चुका, जो फैसला उसके हाथ में होगा सब करेगा। अब दीगर मसाजिद के लिए भी ऐसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं और मुसलमान अब भी सो रहे हैं। मुसलमान को अब भी एहसास नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आने वाले और कुछ सालों के अंदर हालात कितने बदतर होने वाले हैं। और मसाजिद के दुकानी की जो प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि शैतानी सिंह को निकाल करके उन खाने उस खाने खुदा को बुद्ध कदे में तब्दील करने की नापाक कोशिशें की जा रही है। और हाल ही में आपका करीम सल्लल्लाहु तबारक अलैहि वसल्लम की शान में सैयदा ज़ाहिदा कई नवा तारिबा हज़रत जो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ात पर जो हमले किए जा रहे हैं, वो जो नासिबा कलिमात कहे जा रहे हैं, वो जो गुस्ताखियां की जा रही है, इसे सुनकर भी अगर मुसलमान का ज़मीर नहीं जागता है तो ऐसी कौम का घर जाना है। जो कौन अपनी इबादत गाहों की इबादत अपनी इबादत गाहों की हिफाजत के लिए ना उठ सके, जो कौन अपने नबी और अपनी माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की हिफाजत के लिए ना उठ सके, ऐसी कौम फिर ज़लीला होंगी, रुस्वा ना होंगी, ऐसी कौम परेशान ना की जाएगी, तो फिर इनके साथ क्या सलूक किया जाए। ये हमारे अमाल का नतीजा है जो आज हमारे साथ हो रहा है। आज भी ये कौम ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है, आज भी हम अपनी मस्ती में मगन है, आज भी हम जन्नत की तरफ आने के लिए, हम जन्नत के आसे को थामने के लिए, अपने सर को खुदा के उसूल झुकाने के लिए तैयार नहीं है। अपनी हाल ये है कि हमने मसाजिद को छोड़ रखा है, हम ही है जिसने मस्जिदों को वीरान किया है। आज भी अगर किसी मस्जिद की मैं बात करूँ तो फजर के अंदर जो कैफियत होती है, जो नमाजी फजर में होती है, वो जानते हैं कि एक सब बड़ी मुश्किल से भरती, इतनी बड़ी महाराज इतनी बड़ी मस्ती है और शर्म की शर्म नहीं आती हमें कि फजर में एक सब मस्जिद में भरती है। तो फिर हम ही ने जब मस्जिदों को वीरान कर रखा है तो हम गैर आकर उस पर कब्जा कर रहे हैं, अब गैरों ने आकर के उसकी बागडोर को थाम रखा है, अब उस शैतानी सीख निकाल करके इन मसाजिद को खुद कदों में तब्दील कर रहे हैं। इसकी एक वजह तो हम है कि हमने मस्जिदों को वीरान कर रखा है, हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मौका नहीं मिल रहा है, ये मस्जिदें है नहीं, ये
है, हमारी अपनी कमी है। अगर आज भी मुसलमान सोसाइटी के बाहर होता है, आज भी मुसलमान अगर अपनी मसाजिद को आबाद करे और अपनी अहमियत को जाने, अपने रब के हुजूर झुके और अपने रब के सामने दुआ करे, तो मौला करीम इनकी हालत को बदलने में देर नहीं लगेगी। रब कायनात इनकी तकदीर को जरूर बदलेगा। तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना वो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने। हमें खुद ख्याल नहीं है, हम खुद यही नहीं चाहते कि हमारी हालत बदले, मुसलमानों के हालात बदले। हम तो आए तीन नित नए फितनों में घिरे हुए, हमारे सब रोज गुनाहों में और सोशल मीडिया पर असर हो रहे हैं। हमारे नौजवान आए दिन जो है तो बस गेम्स खेलना और व्हाट्सएप फेसबुक और सोशल मीडिया पर हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। और आज जो मुजाहिदीन है भी वो सोशल मीडिया ही, वो समझते हैं कि हमने बस व्हाट्सएप के ऊपर इतने मैसेज डाल दिया, हमने बड़ा सोशल मीडिया के जरिए इतने मैसेजों को आम कर दिया, तो बस हमने अपना फैसला अदा कर दिया। याद रखो कल कयामत के दिन पूछो, खुदा पूछेगा इस बारे में कि जब मेरी बच्चों पर हमला हो रहा था उस वक्त कहा थे, क्या तुम्हारे सामने इमाम हुसैन का किरदार न था, क्या तुम्हारे सामने शाहबुद्दीन गौरी का किरदार न था, क्या तुम्हारे सामने सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार न था, क्या तुमने न सुना, क्या उनकी तारीफ न पढ़ी कि जब बैतुल मक़द्दस को दुश्मनों ने घेर लिया था और उस पर कब्जा कर लिया था, तो फना बैतुल मक़द्दस को आजाद कराने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी उठे थे। आज मुसलमानों तुम्हें क्या हो चुका है, तुम्हारे अंदर कोई सलाहुद्दीन क्यों पैदा नहीं होता, तुम्हारे अंदर कोई शाहबुद्दीन गौरी क्यों नहीं आता, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा जवाब मत क्यों नहीं पैदा होता। इसलिए कि आज हमने खुद अपनी हालत को बदलने का ख्याल न, हमारी जिंदगी हमारे शब रोज गुनाहों में बसर हो रही। इसलिए आयत हमें अपनी दावत दे रही है कि मुसलमानों तुम शरीयत के आसे को मजबूती से थाम लो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारी हालत को बदल देगा, तुम्हारी कैफियतों को बदल देगा और फिर से अल्लाह ताला तुम्हें जो है रूह जता फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमें समझ कर और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि मसाइल का सिलसिला भी शुरू है, इस सिलसिले में पिछले जुमा की तकबीर तहरीमा से मुताले मैंने चंद मसाइल जिक्र किया, आज भी तीन मसाइल सुन रहे। नफ नमाज के लिए तकबीर तहरीमा रुकू में कही तो नमाज न हुई और अगर बैठ कर कही तो हो गई। नफ नमाज अगर नफ नमाज के लिए हुक्म है कि आप चाहे उसको खड़े होकर पढ़े या बैठ कर के, तो जो कैफियत मैंने से पहले बताया था कि बाज लोग जो है तो आधे से ज्यादा छुप जाते हैं और फिर जब वो तकबीर तहरीमा कहते हैं, चाहे वो कयाम में हो या बैठ करके नमाज पढ़ रहे हो, तो वो लोग गौर करें। तो चूंकि अगर छुपने की कैफियत पाई गई, इतना छुपे आके हाथ बढ़ाए तो घुटना तक पहुंच जाए, तो वो रुकू की कैफियत और उस कैफियत में अगर तकबीर तहरीमा कही बाहर की नमाज ना, अगर बैठ कर नमाज पढ़ाए तो बैठ कर तकबीर तहरीमा कही तो नमाज हो जाएगी, उसमें अगर छुप गया और इतना छुप गया कि रुकू की हद तक चला गया तो फिर उसकी तकबीर तहरीमा नहीं होगी। जो शख्स तकबीर तहरीमा के तलफ़ुस यानी अल्लाहु अकबर कहने पर कादिर ना हो, यानी पूरा हो या तोतला हो या उससे अदा ना होता हो या उसकी जबान बंद हो गई हो, तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म है कि वो सिर्फ दिल में इरादा कर ले, सिर्फ उस शख्स के लिए इजाजत है कि वो दिल में इरादा कर ले तो उसकी तकबीर तहरीमा अदा हो जाएगी। और जिस शख्स को पहली रकात का हुक्म मिल गया तो उसको तकबीर गुला यानी तकबीर तहरीमा की फजीलत मिल गई। अगर कोई शख्स ऐसे वक्त में आए कि इमाम रुकू में है तो आए पहले खड़े होकर तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को छोड़ो और एक तस्वीर सुभान अल्लाह की बिता रुके और फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर वह रुकू में चला जाए, अल्लाह ताला उसको तकबीर तहरीमा का भी सवाब अता फरमाएगा, उसको रुकू कयाम का भी इरद का भी और रुकू का भी पूरी नमाज का सवाब। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वा अतूबु।